माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपका पार्शियली अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है आपके थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर हिस्से में। जैसे कि ये आपका जो था वो थायराइड हार्मोन था, ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे, मतलब ये आगे के हिस्से को हम एंटीरियर कहते हैं और पीछे के हिस्से को हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो ये फिगर मैंने पोस्टीरियर साइड से ड्रॉ कर रखा है। तो ये थायराइड हार्मोन के पोस्टीरियर पार्ट्स में आपके फोर नंबर में फोर होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो फोर पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के पीछे। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में और राउंड मासेस होते हैं टिश्यूज के। हर एक का जो वेट होता है वो अराउंड आपका 40 mg होता है। सेलुलर लेवल या फिर माइक्रोस्कोपिकली जो होता है आपके जो आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो दो तरह के एपिथेलियल सेल्स कंटेन करते हैं। पहला है चीफ सेल, जो कि बहुत ही न्यूमरस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये चीफ सेल जो होते हैं आपके पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। सेकेंड है आपका ऑक्सीफिल सेल्स। ऑक्सीफिल का सेल्स का फंक्शन अभी तक पता नहीं है। देखेंगे हार्मोन के बारे में जो पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपको पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PTH। ठीक है, PTH मेनली आपका ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। और ये कैल्शियम लेवल कैसे इंक्रीज होता है, तो आपका पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं वो आपके ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होता है वो आपका मल्टी न्यूक्लिएट सेल होता है, जिसमें मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका क्या करता है कि बोन का रीअब्सॉर्प्शन करता है। तो पैराथायराइड हार्मोन इस मल्टी न्यूक्लिएट मतलब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बोन का रीअब्सॉर्प्शन एलिवेट हो जाता है, मतलब राइज कर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बोन रीअब्सॉर्ब होने लगते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपके ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस रिलीज करने लगते हैं। ठीक है, उसके साथ ये क्या करता है कि किडनी में भी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है। तीसरा, ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है कि यूरिन के थ्रू आपका वो फॉस्फेट आयन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड में फॉस्फेट लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ये क्या करता है कि आपके किडनी से कैल्सिट्रायोल के फॉर्मेशन को प्रमोट कर देता है, जिससे कि आपका कैल्शियम और फॉस्फेट का जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह ये क्या करता है कि आपका कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज कर देता है। पैराथायराइड हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है आपका कैल्शियम लेवल, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है उसमें। अगर कैल्शियम लेवल लो होता है तो आपका पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन आपके पैराथायराइड ग्लैंड से इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर इसका हाई लेवल होता है तो फिर कैल्शियम का रिलीज जो होता है उसको इनहिबिट हो जाता है, मतलब मोर आपके कैल्शियम जो होते हैं पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं वो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि थायराइड हार्मोन में आपके सी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है कि वो आपके कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज नहीं होने देता है। तो ये आपके पैराथार्मोन के जस्ट ऑपोजिट एक्ट करता है, ठीक, मतलब एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। पैराथायराइड का क्या है कि वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है और कैल्सिटोनिन जो होता है वो आपके कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में एक्ट करते हुए ये आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करते हैं। और ये इसलिए भी नीडेड मतलब बॉडी में इसलिए भी नीडेड होते हैं क्योंकि ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। मतलब ये पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन एक साथ मिलके आपके
इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये था अबाउट आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, उसका स्ट्रक्चर और उसके उससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका फंक्शन, उसके बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।